हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी गणित की 7वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं, जो कि 10 नवंबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम बेटा पढ़ेंगे राशियों की तुलना, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ना है अनुपातों का प्रतिशत, अनुपातों का प्रतिशत। कहता है जब जब राशि के भाग अनुपात में दिए जाते हैं या अनुपात में दिए होते हैं, हम उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदलते हैं। किस तरह से बदलते हैं, देखिए क्या है। कहता 15 मिठाइयों को मोनू तथा सोनू में इस प्रकार बांटा गया कि मोनू को 3 मिठाइयाँ व सोनू को 12 मिठाइयाँ मिली, उन्हें कुल मिठाइयों का कितने प्रतिशत मिला। प्रतिशत में बदलना, देखिए तो मोनू को कितना मिला, जितना भाग मिला 3 मिली, टोटल कितने थे 15। बेटा नीचे टोटल आता है, कितना लिखेंगे नीचे, आप नीचे लिखेंगे 15, ठीक है बेटा। यहाँ लिखा जाएगा आपका ये 15, ठीक है, 5 नहीं है 15 है। और फिर 3 से 100 काट देंगे, 3 × 5 = 15, ठीक है। 5 से 100 काट देंगे, कितना आ गया 20। तो इस तरह से आ गया आपका 20% होगा, ठीक है बेटा। तो अब दूसरा देखें, सोनू को कितना मिला, फिर सोनू कितना मिला, सोनू को मिला 12, बट टोटल मिले 12 मिले, टोटल कितना है 15 गुणा में 100। इसी तरह से इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। बढ़त या घटत में प्रतिशत, देखिए बेटा बढ़त या घटत में प्रतिशत। तो देखिए क्या कहता है, कहता है आओ जाने कि किसी राशि का बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है। घटे हैं पैसे या बढ़े हैं पैसे, ये हम देखते हैं प्रारंभिक राशि में कि स्टार्टिंग में कितने थे। जैसे कि कहता किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 1.5 लाख से घटकर 100 लाख रह गई है, ठीक है जी। पहले 1.5 लाख लोग अशिक्षित थे, अब सिर्फ 100 लाख रह गए। तो घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो घट कितने के पहले हमें प्रारंभिक राशि कितनी थी, यानी कि अशिक्षितों की संख्या कितनी थी 1.5 लाख। प्रारंभिक राशि में परिवर्तन कितना हो गया, 1.5 लाख से 100 लाख हो गए, तो कितना परिवर्तन हुआ 50 लाख का। अशिक्षितों की संख्या में घट, यानी कि 1.5 में 100 गए तो 50 लाख घट गए, इतना परिवर्तन आ गया। तो राशि में परिवर्तन प्रतिशत अगर हमें निकालना तो क्या होगा, प्रारंभिक घटत कितनी हो गई 50 और प्रारंभिक राशि कितनी थी 1.5 लाख गुणा में 100। अब हम कैलकुलेशन अपनी कर लेते हैं, 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 × 3 = 15 जाएगा, तो कितना आ गया 100/3, 100/3 का मतलब कितना होता है 33, सही, 1/3%, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या कहता है हमसे, फैक्ट्री दुकानदार तथा ग्राहक के बारे में। देखिए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है हमें पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। देखते हैं क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। तो देखिए अगर जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई वह क्या कहलाता है, CP कहलाता है। क्या कहलाता है जी, CP। जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं उसे कहते हैं CP। CP का मतलब होता है बेटा क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु बेचता है वो कहलाता है विक्रय मूल्य, यानी कि SP, ठीक है। अब कहता है निम्न कथनों के लिए लाभ या हानि लिखें कि हमें लाभ हुआ या हानि है। एक दुकानदार ने 120 में खरीदा, एक फूलदान 120 रुपये में खरीदा और 108 में बेच दिया। खरीदा 120 में, 108 में बेच दिया, यानी कि ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। जब कम में बेचेंगे हम तो हमें क्या होगा, हानि होगी। तो क्या लिख देंगे जी यहाँ पे हम, हानि। जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो क्या होगी, हानि होगी। एक खिलौना 540 रुपये में खरीदा और 450 में बिक दिया, फिर से ज़्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, तो यहाँ पर भी क्या होगी, दूसरे केस में बेटा हमको हानि होगी, ठीक है। एक साइकिल 1000 में खरीदी, 1000 में बेच दी, जितने में खरीदी उतने में बेच दी, सॉरी दूसरे, दोबारा देखिए, दोबारा पढ़िए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा उसने कहा था एक किलो नगर 540 में बेचा है, 850 में खरीदा है, बेचा ज़्यादा में है, खरीदा कम में है। जब ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। तीसरा देखिए, एक साइकिल 1000 में खरीदी, 1000 में बेच दी, तो ना लाभ ना हानि। जितने में खरीदी उतने में बेच दी, तो ना लाभ ना हानि, ठीक है।
तो देखिए इसमें यही चीज़ इसने लिख के दिया था, यदि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य क्या है ज़्यादा है तो हमें क्या होता है लाभ होता है, और लाभ निकलता है एस पी माइनस सी पी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, और यदि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के, बराबर का निशान है तो ना लाभ ना हानि, यदि क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है हमें हानि हो जाती है, और कैसे निकलती है सी पी माइनस एस पी, क्रय मूल्य क्योंकि ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। अब इसी के साथ बेटा कुछ एग्जाम्पल उसने दे रखे हैं, हम उन एग्जाम्पलों को पढ़ते हैं। कहता है लाभ या हानि का प्रतिशत, लाभ या हानि का प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जाता है, लाभ या हानि दोनों इस क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। हम क्रय मूल्य पर ही देखते हैं हमें लाभ हुआ या हानि हुई, अगर हमने क्रय मूल्य हमारा कम है और हमने बेचे ज़्यादा में है तो हमें लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है और बेचे हमने कम में है विक्रय मूल्य कम है तो हमें हानि होती है। तो देखते हैं पहला उदाहरण क्या कहता है वो, देखिए ये है हमारा पहला उदाहरण, कहता है एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई, 12% हानि पर विक्रय की गई, 12% हानि पर बेच भी दी, तो कहता है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य दे रखा है 50 रुपये बेटा, हानि है 12%, तो हानि निकाली पहले, हानि क्या होती है क्रय मूल्य का 12% यानी कि 50 का 12%, 50 तो ऐसे रहेगा, 12% का की जगह गुणा हो गया, प्रतिशत हटाते तो बटे में 100 लगाते हैं हम ये जानते हैं, तो हम इसकी गुणा कर देंगे काटा पीटी कर देंगे, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा ठीक है, और 5 दुनी हो जाएगा 2 10 और 2 से 12 काटेंगे कितना आएगा 6, कितना जाएगा 6 रुपये आ गया। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा सी पी माइनस हानि, सी पी है हमारा 50 रुपये, हानि हुई हमें 6 रुपये की, घटा दिया तो कितने रुपये आ गया हमारे पास 44 रुपये आ गया ठीक है बेटा, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या कहता है, तो देखिए दूसरे उदाहरण में हमसे कहा उसने कि किसी राशिद ने टीवी 9000 रुपये में ख़रीदा, 12 वर्षों के पश्चात 6000 में बेच दिया, राशिद का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेच दिया तो क्या होगा जाहिर सी बात है हानि होगी, तो सी पी है 6000 एस पी है सॉरी सी पी है 9000 एस पी है 6000, हानि होगी सी पी माइनस एस पी कर दिया 9000 में 6000 के तो कितना बचा 3000 का हानि, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे में सी पी गुणा में 100, तो हानि कितनी है 3000, सी पी हमारे पास 9000 गुणा में 100 तो क्या होगा 1 0 से 1 0 दूसरी 0 3 0 से 3 0 3 0 क्या हो गई ऊपर से नीचे कट गई, और 3 एकम 3 और 3 3 9 तो कितना आ गया पास 100/3, 100/3 का मतलब क्या हो गया 33 से 1/3% हो गया। उसके बाद आपके आगे अभ्यास के प्रश्न, क्या आ गया बेटा अभ्यास के प्रश्न, तो अभ्यास के प्रश्न देखते हैं हम, और अभ्यास के प्रश्न हम कहाँ देखेंगे बोर्ड पर देखेंगे ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बोर्ड पर क्या कहता है, देखिए अभ्यास का प्रश्न नंबर, तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, तो 5% लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य हमें पता नहीं तो मान लिया जाएगा, माना क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने क्रय मूल्य 500 सॉरी x मान लिया, हमें पता ही नहीं है क्रय मूल्य कितना है, तो कितना मान लेंगे 100 रुपये ठीक है, और लाभ प्रतिशत दे रखा हमें 5% ठीक है जी, तो लाभ कितना हो गया हमारे पास, लाभ हो गया क्रय मूल्य का 5%, क्रय मूल्य यानी कि x का 5%, अब का की जगह गुणा का निशान आता है प्रतिशत हट के बटन क्या लग जाता है 100 लग जाता है, ये आ गया हमारे पास लाभ, गुणा कर देंगे 5 की x से 5x/100, तो बेटा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका क्रय मूल्य जमा लाभ होता है, विक्रय मूल्य हमें देखा 540 रुपये बेचा है, क्रय मूल्य है हमारे पास x और लाभ है हमारे पास कितना 5x/100, तो क्या ले लेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 100 आ गया एलसीएम, 100 की x से करेंगे तो ये होगा 100x, 1 की 5 से करेंगे तो कितना हो गया 5x, तो ये 540 ऐसे ही रहेगा, 100 और 5 कितना हो गया 105x/100, हमें तो x का मान निकालना है तो 100 ऊपर चले जाएगा 105,
नीचे यहीं कर देते हैं हम। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 ऊपर 540 गुणा 100 और बटे में 105, 105 भाग में आ जाएगा, 105 पंजे 540 हो जाएगा। नहीं, इतना तो नहीं होगा, कितना हो जाएगा जी, 105 8 है 5 ये भैया, तो इसको काट दीजिए। अब काटते देखिए क्या आएगा, जब इसको इसको काटेंगे तो ये जाएगा लगभग बेटा 5.1428, ठीक है, ये आ गया। हम 100 से इसको गुणा करेंगे तो 2 0 लग जाएंगी सीधे सीधे, हम जानते हैं, और दशमलव 4 अंक के बाद यहाँ लग गया दशमलव, ठीक है, और दशमलव के बाद के इधर की 0 क्या होती हैं, बेकार होती हैं, तो ये होगा 514 रुपये 28 पैसे। ये आपका आंसर आ गया। एक्स हमने क्रय मूल्य इसको ही दबाना था, तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास, यानी कि एक्स बराबर आ गया 514 रुपये 28 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना बेटा, यानी कि सीपी दे रखा उसने 375 रुपये, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दे रखा उसने 400 रुपये बेच दी। तो हम पहले निकालेंगे लाभ कितना होगा, लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, घटा देते हैं उसको, ये हो गया 400 रुपये और ये 375 रुपये, घटा दिया कितना आ गया, 25 रुपये का लाभ हो गया। पर हमें निकालना है बेटा लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ है हमारे पास 25 रुपये का, क्रय मूल्य हमारे पास है 400 रुपये, सॉरी 375 का गुणा में 100, 25 से उसको काट दिया, 25 से कम 25 और कितनी बार जाएगा, 12 25 25 पंजे 125, ये कितना रह गया, 100 बटे 15 काट देंगे, 20/3 5 से काट दिया, 20/3 का मतलब कितना हो गया, 6 सही 2/3 प्रतिशत, 3 6 18 2 20 आएगा, यानी कि इस तरह से लिख देते हैं हम भाग करके, कितनी बार आएगा, 3 6 18 2 बचे, तो 6 सही 2/3, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट हो गई पूरी, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।